डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आसियान का गठन। एशिया के एक भाग में क्षेत्रीय सहयोग का आरंभ 1967 से हुआ और जब इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एवं थाईलैंड ने दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों के संगठन आसियान की स्थापना की। अगस्त 1967 में इसकी स्थापना से पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के कई असफल प्रयास किए गए। मलेशिया और थाईलैंड, फिलीपींस ने 1959 में दक्षिणी पूर्व एशिया संगठन की स्थापना की थी, परंतु दो वर्ष में ही वह भंग हो गया। उस समय फिलीपींस ने उत्तरी बोर्नियो पर अपना दावा पेश किया और यह थाईलैंड का क्षेत्र था। मलेशिया, फिलीपींस तथा इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों ने 1963 में इन तीनों देशों के एक अन्य क्षेत्रीय संगठन का प्रस्ताव दिया। इसको माफिल्डो का नाम दिया गया था, परंतु इंडोनेशिया ने तत्काल इंडोनेशिया के तत्काल राष्ट्रपति कुलकर्णी मलेशिया का दमन करो की नीति के कारण इस योजना में शामिल नहीं हुई, उसको त्याग दिया। सुकर्णों के सत्ता से हट जाने के पश्चात इंडोनेशिया तथा मलेशिया के प्रति शत्रुता का त्याग कर देने के परिणाम स्वरूप 1967 में दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान की स्थापना संभव हो सकी और इसमें एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व क्षेत्र के 5 देशों ने क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से इस असैनिक संगठन का निर्माण किया। क्षेत्रीय संगठन दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान की स्थापना और स्थापना की औपचारिक रूप से 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में एक संधि पर हस्ताक्षर करके इस संगठन की स्थापना के लिए निम्नलिखित तत्कालीन परिस्थितियां उत्तरदायी थी। नंबर 1 है कंबोडिया में उत्पन्न राजनीतिक संगठन। 2 है वियतनामी संकट एवं वियतनाम में अमेरिका की साम्राज्यवादी भूमिका। और नंबर 3 है इंडोनेशिया, बर्मा व लाओस के मध्य पारस्परिक संबंधों को विकसित करने की आवश्यकता। उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आसियान क्षेत्रीय संगठन को एक आर्थिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। सदस्यता आरंभ में इस प्रादेशिक संगठन के निर्माण में 5 देशों मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस ने भाग लिया था। जनवरी 1984 में ब्रुनोई के आज़ाद होते ही उसे आसियान का 6ठा सदस्य बना लिया गया। वियतनाम जुलाई 1985 में इस संगठन का सदस्य बना। 3 अन्य देशों म्यांमार, लाओस तथा कंबोडिया को भी इस संगठन के सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया, परंतु कुछ राजनीतिक कारणों से वे सदस्य नहीं बन सके और दिसंबर 1995 में आसियान के 5वें शिखर सम्मेलन में इन तीनों देशों के राज्य अध्यक्षों ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया और अंततः जुलाई 1997 में कुआलालंपुर में आसियान के शिखर सम्मेलन में लाओस तथा बर्मा इसके सदस्य बन गए और इस प्रकार इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। कंबोडिया को सदस्यता प्रदान करने नहीं दी गई क्योंकि द्वितीय प्रधानमंत्री हुए हुन सेन द्वारा प्रथम प्रधानमंत्री राजकुमार नरोत्तम रत्नम के विरुद्ध विद्रोह से देश में राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया, परंतु 1999 में कंबोडिया को भी सदस्यता प्रदान कर दी गई और इसके साथ आसियान की संख्या 10 हो गई। इस प्रकार 2000 में आसियान के जो 10 सदस्य थे वे थे मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनोई, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और म्यांमार। भारत को 24 जुलाई 1996 को आसियान का पूर्ण संवादी सहयोगी बना लिया गया है। भारत सहित कुल अन्य सदस्यों की संख्या 8 है, जो चीन, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इनको
पूर्ण संवाद सहयोगी बनाया गया है। थैंक यू।